टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे डिज़र्ट की रेसिपी जो बनाने में बहुत आसान है, झटपट से बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही डिलीशियस है। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये डिज़र्ट बनाने के लिए मैं गैस ऑन कर रही हूँ और इसमें बर्तन रख रही हूँ। एक ये मोटे तले का बर्तन लीजिएगा। गैस धीरे कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं नीचे। इसमें हम दूध डालेंगे अभी, तो नीचे थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा ताकि दूध जो है हमारा नीचे लगे ना। अब मैं इसमें आधा किलो के आसपास दूध डाल रही हूँ, आधा किलो दूध। आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए। दूध चाहे उबला हुआ हो चाहे उबालने वाला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमने अभी दूध को उबालना ही है। और दूध आप फुल क्रीम लीजिएगा, जिसमें अच्छी तरह से मलाई आती है ना, वो वाला फुल क्रीम। अब इस दूध को हम उबाला दिलवाएंगे। और इसके अलावा मैंने थोड़ा सा दूध और ले लिया है एक छोटी बाउल में। इसको हम अभी ऐसे ही अलग रख लेते हैं, इसको कुछ नहीं करना है। जैसे जैसे दूध उबलना शुरू हो जाएगा इसे चलाना शुरू कर देंगे। इसे चलाएंगे लगातार, ऐसे चलाते रहेंगे। इसे उबलने नहीं देना है दूध को, और जो मलाई है ना वो भी जमने नहीं देनी है इसके ऊपर। जो साइड में मलाई जमेगी उसे भी इसमें मिक्स करते जाना है। अब गैस का फ्लेम आप स्लो कर दीजिएगा। यहाँ पर ये जो हमने थोड़ा सा दूध अलग रखा था ना निकाल के, अब ये ले लेंगे और इसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के डालेंगे। वनीला फ्लेवर है ये, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो ये वनीला फ्लेवर वाला 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके सारे लम्स जो हैं वो हटा देंगे, कोई गुठली नहीं होनी चाहिए इसमें। कस्टर्ड पाउडर को हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर वाले दूध में ही मिलाया जाता है ताकि ये आराम से दूध में मिक्स हो जाए। अगर हम गर्म दूध में इसे डायरेक्ट डालेंगे ना तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी, ये बिल्कुल भी दूध में अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाता है। अब ये जो दूध हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें सबसे पहले डाल देंगे 5 चम्मच शुगर है ये, मतलब 5 चम्मच चीनी के लिए है मैंने। अगर आप चाहें तो आप पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं चीनी डाल रही हूँ इसमें 5 चम्मच, और इसे मिक्स कर देते हैं। फिर उसके बाद जो हमने कस्टर्ड पाउडर का जो घोल बनाकर रखा है उसे इसमें धीरे धीरे डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। डालने से पहले एक बार ऐसे चला लीजिएगा क्योंकि बैठ जाता है ये नीचे। अब इसे धीरे धीरे हिलाते रहेंगे दूध को और ये डालते रहेंगे। इससे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया फ्लेवर आ जाता है दूध में और दूध गाढ़ा भी हो जाता है काफ़ी। हम जो डिज़र्ट बना रहे हैं उसके लिए हमें ज़्यादा गाढ़े कस्टर्ड की ज़रूरत नहीं है, तो हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना इसे। अभी आप गैस का फ्लेम स्लो टू मीडियम ही रखिएगा और इसे थोड़ी देर पका लेते हैं ताकि कस्टर्ड हमारा अच्छी तरह से पक जाए। लेकिन हमने इसे गाढ़ा नहीं करना है ज़्यादा, ज़्यादा पतला भी ना हो ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। 1 मिनट के आसपास हो चुका है इसे पकाते हुए। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है, ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ क्योंकि गैस बंद करने के बाद ये जब ठंडा होता है ना तो थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाता है। तो अब गैस बंद कर देते हैं इतने में और इसे ठंडा होने देते हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। यहाँ पर ये मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, व्हाइट ब्रेड है ये। तो अब मैं इसके जो है कॉर्नर जो है ना इसके, ये वाले ब्राउन वाले, ये काट देंगे हम। चाहे सीजर ले लीजिएगा चाहे नाइफ से आप काट लीजिएगा। इसके कॉर्नर्स हटा देते हैं। और ऐसे ही सारी ब्रेड तैयार कर लेते हैं कॉर्नर्स हटाकर। इसके जो कॉर्नर्स जो हम उतार रहे हैं ना ये फेंकिएगा नहीं, ये भी ब्रेड क्रम्स बनाकर आप किसी भी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये देखिए इसी तरह से हमने सारी अपने स्लाइसेस निकाल लेने हैं। ब्रेड हमारी तैयार है और अब ये मैंने एक कटोरी में फ्रेश मलाई ली है। फ्रेश मलाई लीजिएगा, एक दो दिनों की मत लीजिएगा। अब इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच चीनी के, ये इसमें 2 चम्मच चीनी डाल देते हैं। आप पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं आप। अब मैं इसमें 2 पैकेट ये मिल्क पाउडर के डाल रही हूँ। अगर आप चाहें, आपके पास छोटे वाले पैकेट नहीं होंगे तो आप 5 चम्मच नाप कर भी मिल्क पाउडर के ले सकते हैं। ये इसमें डाल देते हैं मिल्क पाउडर, मलाई, शुगर एंड मिल्क पाउडर। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। जब चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी, इसमें मिल जाएगी, फिर हम इसे इस्तेमाल करेंगे। अभी चीनी अच्छी तरह से मिली नहीं है इसमें, तो अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और पूरी चीनी को मेल्ट करेंगे। कट कर लेते हैं 4-4 पीसेस में, पहले ऐसे कर लेंगे। आप थोड़े बड़े पीसेस रखना चाहते हैं तो ऐसे सिर्फ ऐसे इसे एक बार कट कर सकते हैं, और अगर छोटे छोटे पीसेस चाहते हैं तो इसे एक बार और ऐसे करके कट कर सकते हैं। मैं इतने पीसेस रख लेती हूँ, मुझे ठीक लग रहे हैं ये साइज में। ये पीसेस करने के बाद हम ऐसे एक पीस लेंगे, उसके ऊपर ये मलाई लगाएंगे। अच्छी तरह से अंदर पूरा लगा देंगे इसे। और फिर उसके बाद दूसरा पीस जो है वो इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा सेट बन गया एक। इसी तरह से हम सारे पीसेस कर लेते हैं रेडी। अब जिस प्लेट में हमने इन्हें सर्व करना है उस प्लेट को रख लेते हैं और इन पीसेस को उस प्लेट में सेट कर देते हैं। अब जो हमने कस्टर्ड बनाकर रखा था वो ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, अब वो इसके ऊपर डाल देते हैं। देखिए इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि ज़्यादा गाढ़ा कस्टर्ड मत बनाइएगा। ज़्यादा कस्टर्ड गाढ़ा बना देते ना तो ये सोख नहीं पाती ब्रेड उसको, तो इसलिए। और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए था, कि ज़्यादा पतला होता तो बिल्कुल ही ब्रेड मेल्ट होना शुरू कर देती। तो ना ज़्यादा गाढ़ा चाहिए था ना ज़्यादा पतला। तो अब ये देखिए, अब ब्रेड भी इसे आराम से सोख लेगी। ये देखिए कस्टर्ड डालकर मैंने बिल्कुल ढक दिया है सारी ब्रेड को। अब ये बादाम है मैंने लिए कुछ, और इन्हें ऐसे लंबा लंबा काट लिया है। ये बादाम भी इनके ऊपर डाल देते हैं। ये मेरे पास कुछ गुलाब की सूखी हुई पत्तियां हैं, ये भी इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ी सी। देखने में ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ये लीजिए हमारा टेस्टी टेस्टी डिलीशियस डिजर्ट हो गया तैयार। ठंडा करने के बाद इसे खाइए और एंजॉय कीजिए। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा। Thanks for watching.